प्यारा है यार, यहाँ से लग रहा हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, ये ठाठरी की मस्जिद है यार, कसम से देख लीजिए गाइस, कितनी प्यारी लग रही है ना यहाँ से, इस जगह से। अगर आप ऐसे यहाँ पे होते ना तो सामने देख। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो फाइनली गाइस, अभी मैं जाग चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। तो अभी थोड़ा सा चाय वगैरह का कुछ देखते हैं, तो उसके बाद गाइस यहाँ से निकलते हैं। आज का ये भी पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इधर से सनराइज़ हो रहा है, मुझे पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा है आगे, क्योंकि सीधा आँखों में आ रहा है। धूप में बैठा हूँ, D3 ले रहा हूँ। एक्चुअली पीठ पर D3 मिलता है, सामने फेस पर नहीं मिलता। तो चलो गाइस, अभी आपको बाकी मज़े कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। जो मैंने कैसे परसों वीडियो में बोला था आपको कि मैंने एक ट्राईपोड मंगाया है, लाइट वाला ट्राईपोड मंगाया है, और सच में वो आ चुका है। रात को आ चुका था वो ट्राईपोड, मैंने उसकी इनबॉक्सिंग आपको नहीं दिखाई। तो चलो ट्राईपोड दिखाता हूँ आपको, कैसा है और कैसा नहीं है, आप उसको देखेंगे। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। जो ये मैंने रात को उठा निकाल के फेंके थे, ये रहे, और ये रहा वो ट्राईपोड। इसमें ये देखो चार्जिंग पे लगा हुआ है, ऊपर जो लाइट आ रही है अभी इसके। तो ये लंबा भी होता है, मतलब जैसे सेल्फी स्टिक की तरह ये लंबा, ये सेल्फी स्टिक भी बन जाती है। तो बाकी मैं इसकी आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, आपको देखिएगा इस, ये जो रही इसकी एक लाइट, ये देख लीजिए गाइस कितनी खतरनाक है यार, कसम से। ये दूसरी हाई वाली, तो चले गाइस मैं इससे आपको वीडियो शूट करके दिखाता। लाइट ऑन कराता हूँ मैं, अभी तो लाइट ऑफ है। ओह माय गॉड, तो गाइस आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मैंने 5-7-10 फिल्टर एक साथ लगाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसकी लाइट ऑन कर दी है, ये नाइट व्लॉगिंग के लिए मैंने लाया है। मेरे पास तो पहले भी एक ट्राईपॉड था, बट वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब वो खाली ट्राईपोर्ट था, उसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है। बट वो दिखने में इससे अच्छा है, सुंदर है इससे बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं हम आगे के लिए, और भूख भी तकड़ी होके लगी है, मुझे कहीं चाय वगैरह पीनी है मार्केट जाके। तो उसके बाद ही मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से आगे के लिए। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे पूरी की पूरी DRPF, डॉग रैपिड पुलिस फोर्स, मम्मी ओ माय गॉड, मारो मुझको, मुझको जिंदा मत छोड़ो। तो चले गाइस, मैं पहुंचा हुआ था ठाठरी में, तो मुझे जाना था टिपरी। गाड़ी तो है नहीं कोई भी यहाँ पे, तो मैं पैदल ही चल पड़ रहा हूँ ऊपर के लिए। फिर कसम से गाइस, इतना दूर ऊपर जाना है मुझे पता ही नहीं था। तो चले गाइस, हम पहुंच चुके हैं ऊपर रोड पे। ये रोड यहीं पे हो जाती है ख़त्म। तो पीछे व्यूज़ देख रहे होंगे आप, कितना तकड़ा व्यूज़ है यार, खतरनाक वाला व्यूज़ है। तो गाइस यार, थकावट खतरनाक हो चुकी है, मुझे ये भी नहीं पता है रास्ता यही है या नहीं। तो बाकी मैं लोगों से पूछते हुए जाऊंगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये पीछे का व्यूज़ है। अंकल जी, टिपरी के लिए यही रास्ता है ना? क्यों जाना, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमने। तो नहीं, घूमने ही जा रहा हूँ। तो गाइस रास्ता बिल्कुल सही है, सही रास्ते से जा रहा हूँ मैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम सीधा ऊपर के लिए, तो बाद में बात करते हैं आपसे भी। और काफ़ी तकड़ा व्यूज़ है यहाँ का यार, कसम से। माय गॉड, पीछे देख रहे हो मेरा, अगर आप ये व्यूज़ देखोगे ना तो एक बार गाइस मैं थोड़ा, कितना तकड़ा लग रहा है नीचे, देख लीजिए आप खुद ही। हाँ प्यारा है यार, यहाँ से लग रहा हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, ये ठाठरी की मस्जिद है यार, कसम से देख लीजिए गाइस, कितनी प्यारी लग रही है ना यहाँ से, इस जगह से। अगर आप ऐसे यहाँ पे होते ना तो सामने देखते कितना अच्छा लगता है। ये देख लीजिए ऊपर पहाड़, थोड़े से बादल, धूप, मतलब हर चीज़ बीच बीच में हो रही है। तो इतना मतलब डर लग रहा है यहाँ से, क्या बात, कसम से। ये एरिया आए हाय हाय, यहाँ पे देख लीजिए ये पत्थर, इधर नीचे मैं दिखाता हूँ आपको कितने खतरनाक खतरनाक पत्थर हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रास्ता आ रहा था और मैं यहाँ से चढ़ा था ऊपर के लिए आराम से, और इस जगह पे पहुँचा था मैं अभी, ये जगह पे, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो चलिए गाइस, अभी मैं ये वाला रास्ता देखना है ऊपर के लिए। ये जो देख रहे हैं ना आप,
हमें इसी रास्ते ऊपर जाना है। तो चलिए गाइस अभी फ़िलहाल निकलते हैं हम सीधा ऊपर के लिए और ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। यहाँ पे अभी मक्की ना हरी भरी है बिल्कुल, क्या मज़ा है यार कसम से। तो ये देख लीजिए कुछ तो घास नीचे लगा के रखा है इन लोगों ने, बाकी लेकिन मक्की तो हरी भरी है अभी। तो चलिए गाइस अभी हम ऊपर चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है अभी मुझे, कुछ इस तरह की लोकेशन है यहाँ पे। हाय 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 हाय, मज़े ही मज़े। और ये जो मज़े हैं ना इंद्र व्यक्ति लेना चाहिए। चलिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की प्लेस पे, जो कि वापस आ चुका हूं मैं वहां से। ऊपर से बारिश आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि कल की तरह मेरी हालत जो है आज भी ख़राब हो और इससे पहले मैं नीचे निकल जाऊं। टाइम का तो अभी पता नहीं कितना है कितना नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा काम आज नीचे भी है वो भी कम्प्लीट करते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे होंगे आप बादल, बादलों से पूरा ढका हुआ है और ऊपर देख लीजिए गाइस। और जब बारिश आएगी ना तो कितनी तकड़ी वाली आएगी, ओह हो सुभान अल्लाह, पता नहीं कितनी ख़तरनाक आने वाली है। तो चलो मैं गाइस यहाँ से आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, तो बाकी मिलते हैं जाके किश्तवाड़ में। बादल आप किस तरह रखे हैं यहाँ पे, मतलब कितने ख़तरनाक वाले हैं, और बूंद बूंद तो आना शुरू भी हो गई है। तो बाकी ये देख लो प्लेस यहाँ पे, इस साइड में यार बादल नहीं है पर इस साइड भी हो रहे हैं। तो बाकी ये रहा इधर का प्लेस, ये पीछे पता नहीं कौन सा आता है, इसमें धूप है यार कसम से जहाँ से दिख रही है मुझे। आपको दिख रहा होगा नीचे, नीचे दिखेगा पत्थर गीले हो जाएंगे, नहीं दिख रहा है आपको गाइस, मे भी मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ से दिखेगा, मैं तो फ़ोन में ही देख रहा हूँ। तो बाकी चलिए गाइस हम उतरते हैं। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने पॉइंट पर, ये हालत देख रहे हो आप मेरी, ये हो चुकी है आज। और ठंड यार कसम से गाइस, इस टाइम इतनी ख़तरनाक ठंड है ना यार, कहर ढा रही है ठंड तो, और बारिश भी आने वाली है, अब आनी नहीं चाहिए लगभग, मुझे इरिटेशन होती है इस बारिश से। और इतनी ज़्यादा पहले से ठंड हो रखी है तो सोच लो बारिश आएगी तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो चले गाइस अभी चलते हैं हम नीचे के लिए, रूम के लिए फ्रेश हो जाएंगे, तो उसके बाद जो भी होगा उसके बाद ही देखा जाएगा। तो बाकी फ़िलहाल चलते हैं हम रूम। फाइनली गाइस मैं आया हुआ था अभी मार्केट में, मुझे कराना है यहाँ पे एक टेबलेट एक्सचेंज, तो अभी मैं चलता हूँ दुकान पे, क्योंकि मैं बहुत पहले ही शूट कर लेता, मैंने थोड़ा सा बैटरी भी कम थी, बैटरी का भी इशू था। तो बाकी चलते हैं, पहुँच चुके हैं दुकान पे। ओ सर बढ़िया हो, मस्त सर, एक टेबलेट एक्सचेंज करना है। थैंक यू, ये शाम को लिया था ना सॉफ्ट जेल का, इसके साथ पेंटाप वगैरह दे दो कुछ भी, पेंटाजोल वगैरह। ये है ना, ये वीकली खाना है उनको, तो ये था उधर, वीकली एक खाना है ना ये, तो इसकी जगह पे पेंटाजोल वगैरह कोई दे दो मुझे। तो गाइज आप आइए इनकी दुकान पे, यहाँ से मेडिसिन परचेज कीजिए अपने लिए। क्या करेंगे, 130 रुपये है, 129 रुपये का वो है, अब बताओ 1 रुपए है। पेंटाजोल वगैरह नहीं है, चलो ठीक है चलेगा दौड़ेगा ये। अच्छा मेरे को एक चीज़ बोला था खरीदने के लिए, मेरे को भूल गया वो, थ्री नेट क्या होता है, थ्री नेट की क्या, चलो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उनको। थैंक यू, 114 का है। तो गाइस टेबलेट हो चुका है हमारा एक्सचेंज, अभी हम निकलते हैं यहाँ से वापस, आप आइएगा यहाँ पे। चैनल का नाम है सर ड्रीम बॉय 1 मिलियन। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं हम वापस, मुझे एक चीज़ और ख़रीदनी है, मेरे को नाम भूल गया उसका, मैं पहले उनको कॉल करके पूछता हूँ और आपको बताता हूँ बाद में। तो गाइज मैंने कॉल करके पूछ लिया था उनको, वो लाना है मुझे 3 पिन प्लग, वो ख़रीदना है मुझे इलेक्ट्रिशियन शॉप से, वो मुझे वहाँ से मिलेगा। तो अभी मार्केट का सीन तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे कोर्ट के सामने से जा रहा हूँ, कितना तकड़ा मज़ा आ रहा है ना कसम से यार, लोग उधर इधर से हैं, मतलब
अजीब सा ही फील हो रहा है। तो बाकी गाइज अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो ये तो बनता ही है। तो चलिए गाइज अभी पहले उसको ख़रीदते हैं फिर करते हैं बात। गाइज मैं खाना खा के वापस आ रहा हूँ अपने रूम की ओर और आप देख रहे होंगे तो रात को चल रहा है, रात को इसके लाइट कैसे है साथ में। एक्चुअली मैंने जो कल ट्राइपॉड ख़रीदा है उसमें बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर है, ये नाइट व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और रात को हम व्लॉग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइट वगैरह भी लगी हुई है। अभी तो ये चार्ज नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा डिम है, बहुत मतलब स्लो लाइट है इसकी। थोड़ा सा इसको पास में करते हैं फिर मे भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं तब फिर किसी वीडियो में फिर किसी टाइम, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो चुका है मुझे भी लग रहा है। तो चलिए गाइस अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी टाइम फिर किसी वीडियो में। अजान भी हो रही है, तब रहें स्वस्थ रहें खुश रहें खाते रहें पीते रहें। तो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।